मार्केट, महम। अब ये जो शब्द आया ना महम, काफी बार आ चुका है ये शब्द। इसका मतलब होता है अफरा तफरी, खलबली। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि साहब मार्केट में जो है अफरा तफरी मची हुई है, खलबली मची हुई है। अब क्यों मची हुई है यह कुछ एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे कि द ग्लोबल राउट। अब ये जो राउट शब्द है ना, कल भी आया था ये शब्द। राउट का मतलब होता है जबरदस्त हार, जबरदस्त पराजय। तो वैश्विक हार एक तरीके से हम कह सकते हैं इन इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब होता है किसी भी कंपनी में जो शेयर होते हैं ना, उसको बोलते हैं शेयर। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कंपनी में जो शेयर लोग बागों के लगे होते हैं, उन शेयर में जो है जबरदस्त रूप से कमी आई है। एमिड के बीच क्यों आई है ये कमी? द वाइडनिंग, वाइडनिंग का मतलब होता है विस्तृत होता हुआ, फैलता हुआ, चौड़ा होता हुआ। कोरोना वायरस आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक से फैलना, खास करके किसी बीमारी का। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि कोरोना वायरस जो कि अचानक से फैला है ना और विस्तृत होता जा रहा है, तो इस कोरोना वायरस के अचानक से फैलने और इसके विस्तृत होने के बीच में जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जबरदस्त रूप से, वैश्विक रूप से हमें जो है इक्विटीज़ में जो है एक तरीके का राउट देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। तो ये बात किस बात की सूचक है? पोर्टेंड्स, ये जो राउट है ना, ये जो ग्लोबल एक तरीके से वैश्विक राउट हमें जो देखने को मिला है इक्विटीज़ में, यह सूचक है। पोर्टेंड का मतलब होता है पूर्वाभास देना कि भाई कुछ बुरा हो सकता है, इसकी पूर्व सूचना देना, उसको बोलते हैं पोर्टेंट्स। मोर पेन, तो यह और भी ज़्यादा दुख देता है या और भी ज़्यादा दुखद है। ये एडिटोरियल बात करता है साहब कि पूरे विश्व में ये जो इक्विटीज़ है, शेयर है, इसकी हिस्सेदारी में जो कमी आ रही है, किसके चलते कमी आ रही है, किसके बीच में कमी आ रही है? कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते हो रही है। तो यह सूचक है साहब, पूर्वाभास देता है किस चीज़ का? मोर पेन, कि मतलब बहुत ही दुखद है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है, कि क्यों ऐसा एडिटोरियल लिखता है, कि क्या हमें देखने को मिला? मैनिक मंडे। देखो मंडे को कहा गया, कौन सा मंडे? मैनिक। मैनिक का मतलब होता है एकदम पागलपन से भरा हुआ, एकदम उन्मादी, है ना, जिसपे पागलपन छाया हुआ हो। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि साहब ये जो सोमवार था ना, इस सोमवार में को हमें क्या देखने को मिला? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था सोमवार। क्यों? मैनिक मंडे सा, क्योंकि सोमवार को क्या देखने को मिला? मैनिक मंडे सा इंडियाज बैल वेदर। इसका मतलब देखना, अभी ये जो शब्द आया ना बैल वेदर, इसका मतलब होता है अगुआ, नेतृत्व करने वाला, है ना, या फिर किसी ट्रेंड को बताने वाला। तो एक तरीके से ये जो S&P BS है ना, BSE सेंसेक्स है, स्टैंडर्ड एंड पुअर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। तो यह जो है ये क्या है? सूचक है, बेल वेदर है, ये सूचक है। मतलब ये क्या करता है? एक तरीके से ट्रेंड को बताता है या फिर एक तरीके से नेतृत्व करता है। सफ़र, इसे भुगतना पड़ा। इट्स वर्स्ट सिंगल डे फॉल। इट्स वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बिल्कुल बुरे से बुरा, उसको बोलते हैं वर्स्ट। सिंगल डे फॉल, सिंगल डे फॉल का मतलब है एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिली। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स के रूप में अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स के रूप में अगर हम बात करें, तो एज द 30 स्टॉक गेज। अब ये जो लिखा हुआ है ना 30 स्टॉक गेज, इस गेज का मतलब होता है एक तरीके से क्या? मापक। इस गेज को बोलते हैं मापने वाला, जो है ना कोई भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो, उसको हम बोल सकते हैं गेज, कि भाई जिसके माध्यम से किसी चीज़ को मापा जाता है। प्लंज्ड, प्लंज का मतलब होता है डूब जाना। क्या लिखा हुआ है आगे? 1942 पॉइंट्स और 5.2% टू इट्स लोएस्ट क्लोज इन 52 वीक्स। अब देखो इस एडिटोरियल, इस लाइन में, पूरी की पूरी लाइन में क्या कहना चाह रहा है कि जा साहब सोमवार जो था वो बहुत ही उन्माद से भरा हुआ था, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। वो इसलिए भरा हुआ था क्योंकि ये जो हमारा S&P BSE सेंसेक्स है, जो कि क्या है, एक तरीके से ट्रेंड को बताता है। किसके ट्रेंड को बताता है? मार्केट के ट्रेंड को बताता है। इसको भुगतना पड़ा। क्या भुगतना पड़ा? इसमें सबसे ज़्यादा कमी हमें देखने को मिली, गिरावट हमें देखने को मिली, एक दिन में सबसे ज़्यादा गिरावट BSE सेंसेक्स में हमें देखने को मिली। अगर पॉइंट्स के रूप में अगर हम बात करें तो इस S&P, ये जो BSE सेंसेक्स है ना, इसी को आप दूसरा नाम बोल सकते हो, क्या? 30 स्टॉक गेज। क्यों बोलते हैं हम इसे 30 स्टॉक गेज? क्योंकि यह जो BSE सेंसेक्स है ना, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या करता है, इसमें 30 बड़ी बड़ी मुख्य कंपनियां हैं, उनको ये मापता है। तो सोमवार को हमें देखने को मिला, इसमें गिरावट हमें देखने को मिली, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। हम कह सकते हैं कि 1942 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, या फिर 5.2% कह सकते हैं हम इसे, जो कि सबसे निम्नतम थी पिछले 52 जो सप्ताह हैं। उन पिछले 52 सप्ताह में अगर हम देखें, पिछले 52 सप्ताह का रिकॉर्ड हम देखें, तो सबसे ज़्यादा गिरावट हमें बीते ही सोमवार को देखने को मिली। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है। अब देखते हैं एडिटोरियल कि भाई क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है। वाइल, जबकि द प्रॉक्सीमेट, प्रॉक्सीमेट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, लगभग। वाइल द प्रॉक्सीमेट ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है साहब
वह मुख्य कारण क्या था, वह कारण क्या था जिसके कारण अन्य घटनाएं घटती चली गई, उसको बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट। तो वाइल द अप्रॉक्सीमेट ट्रिगर, कि भाई जो लगभग एक अनुमानित जो कारण है, फॉर द हेड लॉन्ग सेलिंग स्प्री, हेड लॉन्ग सेलिंग और स्प्री दो शब्द आए, स्प्री, इस स्प्री शब्द का मतलब होता है अनियंत्रित गतिविधि, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी। और एक और शब्द आया है हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेड लॉन्ग, हेड लॉन्ग का मतलब होता है बिना सोचे विचारे, बिना सोचे समझे। तो सोमवार को ये जो हमें देखने को मिला ना कि लोग बाग लगातार जो है अपने शेयर बेचते हुए नजर आए, अनियंत्रित तरीके से लगातार बिना सोचे समझे जो है अपने शेयर बेचते हुए नजर आए, तो ये एडिटोरियल कहता है कि साहब इसका जो ट्रिगर था, कि एक अनुमान अगर हम लगाएं तो उसका जो कारण था, पॉसिबल जो प्रॉक्सिमेट ट्रिगर था, वो था वाज द ग्लोबल मार्केट राउट, कि पूरे की पूरे विश्व को जो है एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा, पूरे की पूरे विश्व को जो है ना गर्त में जाना पड़ा। क्यों? इंड्यूस्ड, ये देखो इंड्यूस, INDUCE, इस इंड्यूस का मतलब होता है कारण होना, कि साहब ये जो वैश्विक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरा की पूरा विश्व का बाजार जो है वो डूबता हुआ नजर आया, उसका कारण क्या था साहब? उसका कारण था इंड्यूस्ड बाय एन ऑयल प्राइस प्लंज। देखो अभी कल ही हमने एडिटोरियल किया था, उसमें हमने बात की थी ऑयल प्राइस की, कि भाई सऊदी अरेबिया जो है उसने अपनी तेल की जो कीमतें हैं उनमें ज़बरदस्त रूप से कमी की है, तो उस तेल की कीमत में ज़बरदस्त रूप से कमी करने का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में हमें देखने को मिला। तो प्लंज, प्लंज का मतलब है डूबना, कमी आना, बहुत ज़बरदस्त रूप से डूबना या बहुत ज़बरदस्त रूप से कमी आना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो कुछ हमें देखने को मिला ना सोमवार को, उसका एक अनुमानित कारण जो नज़र आता है ना, वो नज़र आता है कि साहब पूरा क्यों क्या नज़र आता है, वो आता है कि ये जो ऑयल प्राइस में ये जो एक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त जो कमी हमें देखने को मिली थी ना, उसके कारण ऐसा कुछ हुआ। There are clear indications, कि मतलब बिल्कुल क्लियर सूचनाएं हैं हमारे पास, बिल्कुल सूचक हैं, indications मतलब सूचक। There are clear indications that the underlying investor sentiment, underlying का मतलब होता है निहित होना, जैसे कि आपके अंदर कुछ निहित है, कुछ छिपी हुई बात है ना, तो उसको बोलेंगे underlying, underlying investor sentiment, investor मतलब निवेशक, sentiment का मतलब होता है कि व्यक्ति जो कि बाजार में निवेश करना चाहता है उसका बाजार के प्रति रुझान क्या है। देखो सेंटिमेंट का वैसे तो मतलब होता है भावना है। तो यहाँ पर भावनाओं से तात्पर्य है कि बाजार के प्रति आपकी क्या भावना है, यानी कि आपको क्या लगता है कि भाई अगर आप निवेशक हो तो आप क्या सोचते हो बाजार के बारे में, कि यार बाजार मुझे फायदा देगा या नहीं देगा, बाजार में अगर पैसा लगाऊं तो घाटा हो सकता है, लाभ हो सकता है, तो इन सबको हम बोलते हैं सेंटिमेंट, बाजार के प्रति भावना है। हैज टर्नड बियरिश, अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना बियरिश, BEARISH, इस बियरिश को हम हिंदी में कह सकते हैं एक तरीके से मंदी का रुख, यानी कि ऑन द स्टॉक मार्केट इफ देर इज अ बियरिश मूड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, कि अगर बियरिश मूड है तो इसका मतलब है कि भाई कीमतें जो है और गिरेंगी, है ना, तो मंदी का रुख रहेगा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है साहब कि ये जो ऑयल प्राइस में जो है ज़बरदस्त कमी हमें देखने को मिली, लगभग तय है कि इसी ऑयल प्राइस में कमी के चलते ये जो BSE जो हमारा सेंसेक्स है इसमें हमें ज़बरदस्त रूप से कमी देखने को मिली, इसके माध्यम से हम क्या कह सकते हैं, इस बात की हमें सूचनाएं मिलती हैं, ये सूचक हैं इस बात के कि साहब ये जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर हैं, इनका इनकी जो भावनाएं हैं बाजार के प्रति, उनको क्या लगता है, उनको लगता है साहब कि अभी बाजार और गिरेगा, है ना, हैज़ टर्नड बियरिश, है ना, उनको लगता है कि नहीं यार साहब ऐसा अंदाजा है कि और जो है मार्केट गिरेगा। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है, कि फ्रॉम द S&P BSE, फ्रॉम द S&P BSE 500 इंडेक्स, तो ध्यान में रखना इसको, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 इंडेक्स। देखो इसमें क्या है, एक तो मैंने बताया था ना सबसे पहले हमने बात की थी BSE 30, तो वो 30 थी टॉप 30 कंपनी, है ना, टॉप 30 कंपनियां जो थी। इसके अलावा अगर ये जो 500 कंपनी है ना, अगर छोटी बड़ी सारी कंपनियों को मिला के अगर हम बात करें, तो 500 कंपनी के लिए अगर हम देखें, 500 कंपनी की अगर हम सूची देखें, कंप्राइजिंग द टॉप, अभी देखो लिखा भी हुआ है ये कॉमा लगा के जो है ना, इसी के बारे में बताया इसने आगे, कंप्राइज का मतलब होता है मिलके बने होना, कंप्राइजिंग द टॉप 500 BSE लिस्टेड कंपनीज, कि भाई BSE ने जिन 500 कंपनीज को जो है लिस्टेड किया हुआ है ना, जिनको सूचीबद्ध किया हुआ है, अक्रॉस ऑल की इंडस्ट्रीज का मतलब है कि हमारे जो भी मुख्य मुख्य उद्योग है ना, उन मुख्य मुख्य उद्योगों से लेके क्या कर रखा है BSE ने, 500 कंपनीज को लिस्टेड कर रखा है। तो उन 500 कंपनीज की अगर हम बात कर लें, टू एडिटोरियल एक रेंज की बात कर रहा है, मैं यहां से लेके यहां तक, कि उन 500 कंपनीज की बात कर लें, टू द S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स, अब ये तो हो गई कोई कौन सी 500 जो है ना बड़ी बड़ी या मध्यम दर्जे की कंपनीज हो गई, इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप आप कह सकते हो एक तरीके से कि भाई छोटी कंपनीज के बारे में आप कह सकते हो,
तो ये जो BSE है ये जो है सूचना देता है हमें बड़ी कंपनी के बारे में, छोटी कंपनीज के बारे में, सभी के बारे में बताता है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है साहब कि ये जो BSE ने जो है एक तरीके से इंडेक्स बनाई, ये 500 कंपनीज़ के इंडेक्स को देख लो या फिर ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स को देख लो, आप छोटी कंपनीज़ को देख लो, सबको रिप्रेजेंटिंग। अब देखो ये लिखा हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स के बाद में लिखा हुआ है कॉमा लगा के, तो यह स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है कि स्मॉल कैप इंडेक्स क्या है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है प्रतिनिधित्व करता है रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट लिस्टेड फर्म्स। फर्म्स का मतलब एक तरीके की वही आपकी कोई कंपनी, स्मॉलेस्ट कि भाई छोटी से छोटी जो सूचीबद्ध कंपनी है ना आपकी, उसको उसको दर्शाता है क्या स्मॉल कैप इंडेक्स। तो इन सबको देख लो आप, बड़ी से बड़ी कंपनियों को देख लो, छोटी से छोटी कंपनियों को देख लो। देयर वाज वर्चुअली नो कॉर्नर लेफ्ट अनटच्ड, नो कॉर्नर लेफ्ट अनटच्ड, कोई कसर नहीं उठा रख, कोई कसर नहीं छोड़ी हमने, मतलब हर पत्थर को उठा के पटक दिया। इसको लिखा हुआ है ना नो कॉर्नर लेफ्ट अनटच्ड, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, नो कॉर्नर लेफ्ट अनटच्ड बाय द सेल ऑफ। अब ये जो सेल ऑफ लिखा हुआ है ना, सेल ऑफ, इस सेल ऑफ का मतलब होता है बेचना, टू सेल समथिंग क्विकली एंड फॉर ए लो प्राइस। तो शेयर बाजार में जो है ना लोग बाग जो है हमें क्या नज़र आया, हमें ये दिखाई दिया कि बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, लोग बाग जो है मतलब हर कंपनी में हमें देखने को मिला। तो ये वर्चुअली का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, नो कॉर्नर लेफ्ट अनटच्ड बाय द सेल ऑफ, कि ये जो बिक्री देखने को मिली, ये जो बेचना देखने को मिला ना हमें शेयर्स का, तो एक तरीके से कोई भी कंपनी इस चीज़ से अछूती नहीं रही, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर कंपनी ने छू लिया। किस चीज़ को छू लिया? सेल ऑफ को छू लिया। सेल ऑफ का मतलब है बेचने को, यानी कि प्रत्येक कंपनी के, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी में एक तरीके से की गिरावट देखी गई। हर कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं वे अपने शेयर बेचते हुए नजर आए। ये एडिटोरियल जो है बात यहाँ तक कहना चाहता है। आगे देखते हैं कि वाइल, जबकि एवरी सेंसेक्स मेंबर लॉस्ट ग्राउंड, कि प्रत्येक सेंसेक्स मेंबर जो है, यानी कि एक तरीके से सेंसेक्स से जुड़ी हुई, ये सेंसेक्स जो है ना ये इसी का नाम है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना इसी का नाम है, कि सेंसेक्स से जुड़ी हुई जो भी कंपनी है, जो भी जुड़े हुए जो भी लोग हैं, हर कोई अपना जमीन खोते हुए नजर आया, हर कोई अपना आधार खोते हुए नजर आया। विद 22 रिट्रीटिंग, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। विद 22 रिट्रीटिंग एटलीस्ट 3%, कि ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई 22 कंपनी जो है ना वो पीछे हटती हुई नजर आई, 3% की कमी उनमें देखने को मिली। बोथ द ब्रॉडर गेजेस अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। बोथ द ब्रॉडर गेजेस अकाउंटिंग फॉर ए कंबाइंड 1200 कंपनीज। अब ये देखो, अगर हम बड़ी बड़ी, ये जो एक तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर हम बात कर लें ना, छोटी बड़ी जोड़ के, तो क्या निकल के आता है वो, बोथ द ब्रॉडर गेजेस, गेज का मतलब मैंने आपको बताया था एक तरीके का मापक है ना, अकाउंटिंग फॉर यानी कि पूरा की पूरा मापक जो कि जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, पूरी की पूरी ये जो कंबाइंड मिली जुली ये जो 1200 कंपनीज है ना, सा अबाउट 93% ईच ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंट्स पोस्टिंग डिक्लाइंस। तो इन 1200 की 1200 कंपनीज में हमें क्या देखने को मिला, सा अबाउट 93% ईच ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंट्स, कि 1200 कंपनीज जिन घटक से मिलकर बनी हुई ना, कॉन्स्टिट्यूंट्स का मतलब होता है घटक, उनके 93% में जो है हमें गिरावट देखने को मिली। पोस्टिंग का मतलब है एक तरीके से दर्ज करना किसी चीज़ को है ना, देखने को हमें ये जो है आंकड़े देखने को मिला, डिक्लाइन यानी कमी देखने को मिली, यानी कि 93% जो घटक हैं 1200 कंपनीज के, इन सब में जो है हमें एक तरीके से कमी प्रदर्शित हुई या कमी जो है हमें देखने को मिली। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं कि द ब्रेड्थ का मतलब एक तरीके की चौड़ाई है ना, एक तरीके का विस्तृत क्षेत्र। द ब्रेड्थ ऑफ द लॉसेस, कि ये जो नुकसान हमें देखने को मिला, इज वन श्योर इंडिकेटर द, यानी कि ये जो नुकसान है, ये जो नुकसान की जो तीव्रता है ना, या एक तरीके से कह सकते हैं कि नुकसान की जो चौड़ाई है या नुकसान का एक विस्तृत जो एरिया है, इज वन श्योर इंडिकेटर, यह एक बिल्कुल निश्चित सूचक है दैट इन्वेस्टर्स आर लुकिंग टू एग्जिट इक्विटीज, कि साहब जो निवेशक हैं वे देख रहे हैं किस चीज़ को, निवेशक जो है इस बात को देख रहे हैं टू एग्जिट, कि इन्वेस्टर जो है निकलना चाहते हैं इक्विटीज़ फॉर नाउ। इक्विटीज़ मतलब कि जो भी उनकी हिस्सेदारी है, जो भी शेयर उन्होंने ले रखे हैं ना, उनको फटाफट इन्वेस्टर्स जो है फिलहाल तो जो है बेच देना चाहते हैं। विद वाट एवर गेंस दे कैन मस्ट एवर, कि जो कुछ भी लाभ प्राप्त हो ना, वो लाभ लेके और फटाफट ये शेयर जो है बेचो, ये चाहते हैं। दे कैन मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि
वर्तमान में ये जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है, ये जो लॉस जो है इस बात की सूचना देता है, किस बात की सूचना देता है कि वर्तमान में जो निवेशक हैं वे सिर्फ एक बात चाह रहे हैं, वे ये चाह रहे हैं कि जो भी इक्विटीज़ हैं, जो भी शेयर हैं, उनको किसी तरह से जो भी फ़ायदा मिले है ना, उस फायदे मिल के जो है बेच दिया जाए किसी भी तरह से, है ना। दे केन मस्टर मतलब जितना जो कुछ मिल जाए वो ठीक है, और वर्स, वर्स का मतलब है और ख़राबतम स्थिति होना। इन ए बिड, बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट या फिर प्रयास, टू कट देयर लॉसेस और वर्स इन अ बिड टू कट देयर लॉसेस। और हो सकता है इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा हो कि अगर यार हमने अगर अपनी इक्विटीज़ को अभी नहीं बेचा तो हमें हो सकता है ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, तो उस नुकसान को कम करने के लिए भी जो है वो क्या करना चाहते हैं, उनके उस नुकसान को कम करने के लिए भी जो है वो क्या करना चाहते हैं, अपनी इक्विटीज़ को जो है बेचना चाहते हैं। ये डिटेल कहना चाहता है कि पहली कंडीशन तो बनती है कि जो है लोग बाग अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, वो इसलिए कि भाई जो कुछ लाभ मिले वही ठीक, और लाभ अगर ना भी मिले ना, बुरी भी परिस्थिति हो तो कम से कम हानि तो कम से कम हो, इसलिए जो है वे क्या करना चाहते हैं, अपनी इक्विटीज़ को बेचना चाहते हैं। आगे देखते हैं, एंड मंडेज लॉसेस वाइल्ड ड्रामाटिक, और सोमवार को ये जो नुकसान हमें देखने को मिला बड़ा ही नाटकीय था, ये वाइल्ड ड्रामाटिक, हैव ओनली एक्सटेंडेड ए स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है स्लिप, खिसकते जाना किसी चीज़ का, है ना, पहले से ही फिसलन चल रही थी साहब। एक्सटेंड का मतलब होता है और बढ़ाना, और विस्तीर्ण करना किसी चीज़ को, है ना, विस्तार करना किसी चीज़ का। तो ये जो मंडे को ये जो लॉस हमें देखने को मिला बड़े ही नाटकीय तरीके से, हैव ओनली एक्सटेंडेड अ स्लाइड दैट हैज़ ओवर द पास्ट मंथ सीन द सेंसेक्स एंड बीएससी 500 लूज अबाउट 30% ईच। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि साहब कि पहले से ही ये जो हमारा सेंसेक्स है ना, उसमें हमें कमी देखने को नज़र आ रही थी, स्लाइड देखने को मिल रही थी, दैट हैज ओवर द पास्ट मंथ। ओवर द पास्ट मंथ का मतलब है कि पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सेंसेक्स है और ये जो बीएसई 500 है, लॉस अबाउट 13% ईच, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, 30% की कमी हमें, 13% की कमी हमें देखने को मिली। और ये 13% की कमी हमें देखने को मिली यानी कि पहले से ही ये जो बीएसई है हमारा, पहले से ही जो है स्लाइड, मतलब इसमें पहले से ही कमी देखने को मिल रही थी, तो मंडे को जो है ये कमी और ज़्यादा बढ़ गई। एंड द मिड कैप गेज ड्रॉप 14%, और मिड कैप गेज, और वह मापक जो कि मध्यम दर्जे की कंपनी को मापता है ना, तो मध्यम दर्जे की जो कंपनियां हैं उनमें भी एक तरीके से 14% की गिरावट जो है हमें देखने को मिली। आगे डिटेल देखते हैं क्या कहता है कि कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग का मतलब होता है एक के साथ एक जुड़ जाना, है ना, कोइंसाइडिंग मतलब मिलते हुए, सम्मिलित होते हुए। कोइंसाइडिंग विथ दिस स्लाइड हैज़ बीन ए 116% जंप इन वॉलेटिलिटी, का मतलब होता है परिवर्तनशीलता, एज मेजर्ड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया विक्स इंडेक्स। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि ये गिरावट तो एक तरफ रखो आप, ये गिरावट तो हमें देखने को मिली ही मिली, इसके साथ इसको मिला लो आप, किस चीज़ को और मिला लो साहब, विथ दिस स्लाइड हैज़ बीन 116% का जंप हमें देखने को मिला, 116% की परिवर्तनशीलता हमें देखने को मिली। ये परिवर्तनशीलता किसके द्वारा मापी गई, किसके द्वारा मेजर किया गया इसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया विक्स के, इसके इस सूचक के द्वारा जो है मापा गया। अनदर ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ संकेत, एक दूसरा अशुभ संकेत है ये, यानी कि NSE ने एक और जो है क्या किया, एक तरीके से मापा इसने, 116% का जंप हमें देखने को मिला, तो यह एक और अशुभ संकेत है दैट प्राइसेस आर अनलाइकली टू स्टेबलाइज, कि NSE ने ये जो आंकड़े अपने प्रदर्शित किए ना, इन आंकड़ों को देख के ऐसा लगता है साहब, ये आंकड़े अशुभ संकेत के रूप में नज़र आते हैं, इन आंकड़ों को देख के ऐसा लगता है कि कीमतों की अभी और बढ़ने की संभावना है। प्राइसेस आर अनलाइकली टू स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थायी हो जाना किसी चीज़ में, है ना, स्थायित्व तो आ जाना, तो लग नहीं रहा साहब कि कीमतें स्थिर हो पाएंगी। एनी टाइम सून का मतलब अभी जल्द ही कभी प्राइसेस जो है स्टेबलाइज हो पाएंगी ऐसा लग नहीं रहा, मतलब एनी टाइम सून का मतलब बहुत ही निकट भविष्य में या जल्द ही कीमतें जो स्थिर हो जाएंगी ऐसा कुछ नज़र हमें आ नहीं रहा। ऑल्सो फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक तरीके से विदेशी जो निवेशक है ना, हैव टर्न्ड नेट सेलर्स ऑफ देयर इंडियन इक्विटी होल्डिंग्स, तो उनके पास जो भारतीय शेयर का हिस्सा, यानी कि विदेशी निवेशक जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार में अपनी हिस्सेदारी ले रखी है ना, तो उसी के लिए करना चाहता है कि हैव टर्न्ड नेट सेलर्स ऑफ देयर इंडियन इक्विटी होल्डर्स इन अ बिग वे दिस मंथ, तो वह भी एक बड़े रूप में जो है ना, एक तरीके से अपने हिस्से को जो है बेचते हुए नजर आ रहे हैं। टेकिंग द क्यूमुलेटिव नेट सेल्स, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग बाय वन एडिशन आफ्टर अनदर, एक एक करके बढ़ता हुआ। टेकिंग द क्यूमुलेटिव नेट सेल्स सिंस फरवरी टू 10,658 करोड़, अगर फरवरी से अगर हम नापें
फरवरी से अगर हम नापें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है साहब, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि नेट सेल, इतनी सेल हमें देखने को मिली कितनी, 10,658 करोड़ रुपए की, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि विदेशी जो हिस्सेदारी है ना भारतीय शेयर में, उसमें इतनी कमी हमें देखने को मिली। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं, विद द इंडियन इकोनॉमी, कि विद द इंडियन इकोनॉमी स्टिल इन सर्च ऑफ फेयर विंड, फेयर विंड का मतलब होता है अनुकूल परिस्थितियाँ, कि हवाएं आपके अनुकूल बहने लगें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अभी भी जो है परेशानी के दौर से गुजर रही है ना, अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा दौर नहीं आया है कि उसके पक्ष में हवाएं बहने लगी हों। विद द इंडियन इकोनॉमी स्टिल अभी भी इन सर्च ऑफ, अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था खोज रही है क्या अपने अनुकूल परिस्थितियाँ, एंड द ग्लोबल आउटलुक, और अगर वैश्विक नज़रिया हम देखें, एंड द ग्लोबल आउटलुक फॉर ग्रोथ गेटिंग ब्लीकर, अभी जो ब्लीक शब्द लिखा हुआ है ना BLEAK, इस ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक। अगर हम वैश्विक परिदृश्य की अगर हम बात करें वृद्धि के नज़रिए से, कि भाई इकोनॉमिक वृद्धि की अगर हम वैश्विक नज़रिए से बात करें, तो वो जो है निराशाजनक नज़र आता है। विथ ईच पासिंग डे, ईच पासिंग डे मतलब प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ, एज द वाइडनिंग कोरोना वायरस आउटब्रेक, क्यों, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का ये जो फैलाव है ना, आउटब्रेक मतलब किसी भी चीज़ का तेज़ी से फैलना, वाइडनिंग, कोरोना वायरस का जो फैलाव है ये बड़ा ही फैलता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है पूरे विश्व में, तो इसको देखते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसकी भी जो है संभावना बहुत कम नज़र आती है। तो ये जो कोरोना वायरस आउटब्रेक है ना, थ्रेटन्स, ये डराता है, टू पुश, पुश का मतलब है धकेलना, द वर्ल्ड इंटू इट्स वर्स्ट डाउन टर्न, डाउन टर्न का मतलब है एक तरीके से बिल्कुल नीचे चले जाना है ना, एक तरीके से मतलब क्या है भाई, एक तो होता है अपटर्न मतलब वृद्धि होते जाना, डाउन टर्न मतलब कमी आते जाना, इट्स वर्स्ट मतलब बहुत ही खराबतम डाउन टर्न सिंस द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखो डिटेल कहता है कि साहब 2008 में ये जो मंदी आई थी ना, उस 2008 में जो मंदी आई थी, उस मंदी के बाद में ये जो कोरोना वायरस है लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था को उसी मंदी के करीब पहुंचा रहा है। ए सस्टेंड, सस्टेंड मतलब जो लगातार बना हुआ हो है ना, उसको बोलते हैं लगातार जो जारी होना, ए सस्टेंड सेल ऑफ लूम्स, सेल ऑफ का मतलब वही बिक्री जारी रहना, कि आप अपने शेयर को लगातार बेचते जा रहे हो जो भी कीमत मिले उसके साथ, लूम्स, लूम्स का मतलब है मंडराना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है साहब कि ये जो कोरोना वायरस लगातार जो बना हुआ है इसके चलते पूरी की पूरी वैश्विक वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है, यानी कि लगातार जो है लोग सेल ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं अपने शेयर्स की जो है बिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी दाम उन्हें मिल जाए उस दाम पर। आगे देखते हैं, टू कॉम्प्लिकेट मैटर, कॉम्प्लिकेट मतलब और पेचीदा मैटर्स, अभी एडिटोरियल ये बात करता है कि साहब कि ठीक है ये सारी परिस्थितियां हमें नज़र आ रही है, इसके साथ ही साथ अगर और भी ज़्यादा जो मामला जो बिगड़ सकता है ना, मतलब अगर और भी ज़्यादा मामला जो पेचीदा हो सकता है मैटर्स, तो वो किसके कारण हो सकता है, द प्रोपोज्ड प्रस्तावित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेड, लेड का यह मतलब है कि साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रतिनिधित्व करेगा किस चीज़ का, ये जो प्रस्तावित प्लान है ना बेल आउट प्लान, बेल आउट BAILOUT, बेल आउट का मतलब होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को या किसी भी कंपनी को है ना, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उसकी मदद करना, उसको बोलते हैं बेल आउट। तो एडिटोरियल ये बात करता है कि साहब ये सारी परिस्थितियां तो बनी हुई है, एक और नई परिस्थिति आ गई, वो कौन सी आ गई साहब, प्रस्तावित ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक जो प्लान आया है ना हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस प्लान का प्रतिनिधित्व करेगा, क्यों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक बेल आउट प्लान लेके आया, बेल आउट मतलब वह यस बैंक की मदद करेगा, ऑफ कैपिटल स्टार्व्ड, स्टार्व का मतलब होता है भूखों मरना, कैपिटल स्टार्व यानी कि पूंजी की कमी है, किसमें, यस बैंक में, यानी कि यस बैंक जो है मैं पूंजी की कमी देखने को मिल रही है, तो इसको इसको क्या बोला गया है इस बैंक को, कैपिटल स्टार्व्ड, मे बी यानी हो सकता है, ए फार टफर चैलेंज, यह और भी ज़्यादा चुनौती हो सकती है, फार टफर चैलेंज, और भी ज़्यादा दमदार चुनौती हो सकती है, देन अपियर्ड एट फर्स्ट फ्लश, ये जो लिखा हुआ है ना एट फर्स्ट फ्लश, इसका मतलब होता है फर्स्ट फ्लश का मतलब कि प्रारंभिक दौर में जो आपको दिखाई दी थी ना कि ठीक है यस बैंक की मदद कर देते हैं और इसको जो है सॉल्व कर देते हैं यस बैंक की परेशानी को, नहीं, प्रारंभिक नज़र में, पहली नज़र में जो आपको दिखाई दिया था ना, उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती हमारे सामने हो सकती है इस प्लान के चलते, किस प्लान के चलते, जिस प्लान के चलते स्टेट बैंक ने यस बैंक की मदद करने का बीड़ा उठाया है, उस प्लान के चलते। आगे देखते हैं, अमॉन्ग द हर्डल्स, एडिटोरियल बात करता है कि साहब काफ़ी सारी बाधाएं हैं, उन बाधाओं में से काफ़ी सारी बाधाएं हैं कि यह जो SBI के माध्यम से हम यस बैंक की मदद करने जा रहे हैं ना, उसमें उस मदद में काफ़ी सारी बाधाएं हैं, अमॉन्ग द हर्डल्स, तो काफ़ी सारी बाधाओं में से कुछ बाधाएं हैं, इज ए लीगल चैलेंज, एक कानूनी चुनौती है टू द प्लान, कि यह जो प्लान हम लेके आए हैं कि भाई SBI जो है 49% स्टेक जो है यस बैंक का ले ले और यस बैंक को उभारने में मदद करे, तो उसके सामने इज अ लीगल चैलेंज टू द प्लान बाय होल्डर्स ऑफ द ट्रबल्ड
लेंडर्स एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि यस बैंक में जिन लोगों की एक तरीके से होल्डिंग्स है, जिन लोगों की हिस्सेदारी लगी हुई है, उनकी वो क्या है, एक तरीके से कानूनी चुनौती दे रहे हैं साहब, इज ए लीगल चैलेंज टू द प्लान, कि ये जो प्लान हम लेके आए ना, इस प्लान को कानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं। कौन लोग? वे लोग जिनकी हिस्सेदारी यस बैंक में लगी हुई है। तो पहली बाधा तो हमारे सामने ये आ रही है, यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, टू द प्लान बाय होल्डर्स, होल्डर मतलब जिनकी पकड़ है, जिनका की पैसा लगा हुआ है, ऑफ द ट्रबल्ड लैंडर्स एडिशनल अतिरिक्त टीयर वन बॉन्ड्स की ना, अतिरिक्त जो बॉन्ड लगे हुए हैं उनके लिए एडिटोरियल जो है बात करता है, ट्रबल्ड मतलब परेशानी में, एंड द बेस्ट इंटेंशंस ऑफ द सेंटर एंड एफर्ट्स बाय द आरबीआई, एंड द बेस्ट इंटेंशन, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, कि ठीक है साहब केंद्र सरकार का इरादा भी बहुत अच्छा है कि यस बैंक को किसी तरह से मदद की जाए, कि केंद्र सरकार का इरादा भी जो है बहुत अच्छा है कि यस बैंक की किसी तरह से जो है मदद की जाए, एंड एफर्ट्स बाय द आरबीआई, और आरबीआई भी जो है प्रयास कर रही है यस बैंक को बचाने के लिए, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, तो इन सब के अच्छे इरादों के बावजूद एनी फेल्यूर टू एक्सपेडाइट द रेजोल्यूशन एट यस बैंक रन्स द रिस्क ऑफ, अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब इन सब के अच्छे प्रयत्नों के बावजूद भी जो है असफल हो सकते हैं, टू एक्सपेडाइट, टू एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, जल्दबाजी करना, टू एक्सपेडाइट द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है कि प्रस्ताव, कि यस बैंक की ये जो परेशानी है ना, इस परेशानी को सॉल्व करने का प्रस्ताव जो है रन्स इसमें बना हुआ है, द रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग, अंडरमाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज का महत्व कम करना, द रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग वाइडर मतलब विस्तृत फैली हुई बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी, तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि बैंक क्षेत्र से संबंधित जो स्टेबिलिटी है, यानी कि एक तरीके से एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि ठीक है केंद्र सरकार का प्लान, आरबीआई का प्लान जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें एक असफलता मिल सकती है साहब, कौन सी असफलता मिल सकती है, कि ये जो हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं, जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं ना यस बैंक को जो है मतलब उभारने में, तो इसके साथ जो रिस्क जो बनी हुई है, जो खतरा जो बना हुआ है, वो खतरा ये बना हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं, अंडरमाइन मतलब महत्व कम करना, कमज़ोर करना, किस चीज़ को कम कर सकते हैं, कि जो बैंकिंग क्षेत्र है ना उसका जो स्थायित्व है, बैंकिंग क्षेत्र के स्थायित्व को हम क्या कर सकते हैं, दुर्बल कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ये जो केंद्र सरकार और आरबीआई के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास तो अच्छे हैं लेकिन हमें एक असफलता हाथ लग सकती है, वो असफलता ये है साहब कि इस तरह से मदद करने से क्या है, पूरे की पूरे बैंकिंग क्षेत्र में जो है स्थायित्व में जो है एक तरीके की कमी हमें देखने को मिल सकती है। टू बी श्योर, बी श्योर का मतलब है निश्चित होना, अगर निश्चित होकर अगर हम बोलें, स्पष्ट रूप से अगर हम बोलें, तो ऑलरेडी देर इज टॉक ऑफ कंसर्टेड सेंट्रल बैंक एक्शन, देखो ये जो लिखा हुआ है ना कंसर्टेड, इसका मतलब होता है संगठित होके कोई काम करते हो ना आप, सम्मिलित होके उसके लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे कंसल्टेड सेंट्रल बैंक एक्शन, टू बी श्योर ऑलरेडी देयर इज टॉक ऑफ, देयर इज टॉक ऑफ का मतलब है कि ऐसी बातें हमें देखने को आ रही हैं, ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं, ऐसी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, कंसल्टेड सेंट्रल बैंक एक्शन, कि विश्व के कई देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं वे मिलजुल कर जो है प्रयास कर रहे हैं, कंसल्टेड सेंट्रल बैंक एक्शन अमोंग द लीडिंग, लीडिंग का मतलब है मतलब मुख्य मुख्य, लीडिंग वेस्टर्न इकोनॉमीज, कि पश्चिम की जो मुख्य मुख्य इकोनॉमीज हैं, जैसे कि भाई क्या हो गया एक तरीके से अमेरिका हो गया है ना, तो इनके लिए एडिटोरियल बात कर रहा है कि इनके जो बैंक है ना वो क्या कर रहे हैं, मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं, एज वेल एज साथ ही साथ लाइकली फिस्कल मेजर्स, फिस्कल मेजर्स का मतलब होता है राजकोषीय उपाय, टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, द थ्रेट पॉज्ड, पॉज्ड का मतलब है कि भाई जो समस्या जो कि समस्या थ्रेट का यहाँ पे मतलब है जो समस्या पॉज्ड बाय, जो कि खड़ी हो गई किसके चलते, कोविड 19, कोरोना वायरस, ये जो लिखा हुआ है ना कोविड 19, कोरोना वायरस डिजीज 19, इस डिजीज के चलते जो समस्याएं हमें हमारे सामने खड़ी हो गई हैं, उन समस्याओं को रोकने के लिए जो राजकोषीय उपाय अपनाए जा रहे हैं, इसके अलावा अन्य कई देश हैं पश्चिम के, वे क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर उनके जो बैंक है ना सेंट्रल बैंक है, वो मिलजुल कर जो है कुछ उपाय कर रहे हैं कि साफ अर्थव्यवस्था को जो है बचाया जा सके, तो ये पहले से ही जो है कदम हमें देखने को मिल रहे हैं। द यूएस फेडरल रिजर्व, अब ये जो लिखा हुआ है ना यूएस फेडरल रिजर्व, तो यूएस फेडरल रिजर्व जैसे भारत के लिए आरबीआई है ना, वैसे ही अमेरिका में क्या है, फेडरल रिजर्व है, तो द यूएस फेडरल रिजर्व लास्ट वीक, पिछले सप्ताह क्या किया इस यूएस के केंद्रीय बैंक ने, मेड एन इमरजेंसी कट, इसने क्या किया, एक आपातकालीन जो है कमी की, किस चीज़ में, इन इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, अब ये जो लिखा हुआ है ना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, यह एक ऐसी ब्याज दर होती है जिसके माध्यम से अन्य ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं, यानी कि निर्धारक ब्याज दर, तो ये जो निर्धारक ब्याज दर है ना एक तरीके से, उसमें क्या किया अमेरिका के इसने बैंक ने जो है एक तरीके से कमी की अपनी ब्याज दर में, मुख्य जो ब्याज दर है ना उसमें कमी की इसने, एंड
प्रेसिडेंट ट्रंप इज कॉन्टेम्पलेटिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वह इस बात पर मनन कर रहे हैं, इस बात पर चिंतन कर रहे हैं। ए राफ्ट स्टेप, ये जो लिखा हुआ है ना राफ्ट, RAFT, इस राफ्ट का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट, काफ़ी, ए राफ्ट ऑफ स्टेप्स की मतलब काफ़ी सारे कदम उठाने को लेकर जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है विचार कर रहे हैं। जैसे कि क्या कदम हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ए पेरोल टैक्स कट। पेरोल, पेरोल का मतलब होता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को जो भुगतान करती है ना वेतन का, उस टोटल भुगतान को हम बोलते हैं पेरोल। तो उसमें जो है टैक्स में कमी करने से संबंधित कुछ प्लान के बारे में जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है विचार कर रहे हैं। आगे देखते हैं द RBI एंड द सेंटर। अब एडिटोरियल बात करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार जो है टू, ये भी वुड आइडियली नीड, इनको भी इस बात की, अगर आदर्श रूप से अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को भी इस बात की ज़रूरत होगी टू मूव इन, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार भी जो है चले इन लॉक स्टेप विथ, ये जो लिखा हुआ है ना इन, टू मूव इन लॉक स्टेप विथ, कि भाई जैसा अमेरिका और अमेरिका का केंद्रीय बैंक कदम उठा रहा है ना, ठीक उसी तरह से कदम उठाने की ज़रूरत भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को भी होगी। ये जो लिखा हुआ है ना मूव इन लॉक स्टेप विथ, इसका मतलब होता है साथ साथ में काम करना, कि भाई जैसा अमेरिका कर रहा है वैसा ये आप करो, यानी कि क्लोज एडेरेंस टू एंड एम्यूलेशन ऑफ अनदर्स एक्शन, किसी का अनुकरण करते हुए कदम उठाना। तो एडिटोरियल ये बोलता है कि साहब ये जब हमें देखने को मिल रहा है ना पश्चिम के अन्य देशों में, खासकर अमेरिका में देखने को मिल रहा है ना, तो इसी से मिलते जुलते कुछ कदम भारत के RBI को और एक तरीके से केंद्र सरकार को भी उठाने होंगे, इन लॉक स्टेप विथ मेजर्स, कुछ उपाय करने होंगे टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए एडिक्वेट लिक्विडिटी। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर समझ लो पैसा, टू इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी टू हेल्प बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब है लोगों की बाजार के प्रति भावना, यानी कि निवेशक जो हैं, यानी कि जो अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो उन लोगों की भावनाएं बाजार के प्रति, उनमें क्या आ सके, एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ सके, उन लोगों में बाजार के प्रति जो है पॉजिटिव भावनाएं आ सके, तो उनकी भावनाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कुछ ऐसे ही कदम उठाने होंगे जैसे कि अमेरिका ने उठाए हैं, यानी कि कुछ टैक्स रेट में कमी करनी होगी, कुछ जो है इंटरेस्ट रेट में कमी करनी होगी, एट दिस टाइम ऑफ मार्केट, बाजार के मतलब इस टाइम पे है ना, इस टाइम पे, एट दिस टाइम ऑफ मार्केट, ये जो अभी वर्तमान में जो बाजार चल रहा है ना, इस टाइम पे जो है हमें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि लोगों की भावनाओं को, लोगों का जो रुख है बाजार के प्रति, उसमें जो है एक तरीके का पॉजिटिव जो है चेंज आए, एंड इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, कि ये जो इस समय का जो बाजार है, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, इस फ्रेजिलिटी शब्द का मतलब होता है भंगुरता, ये जो फ्रेजिलिटी शब्द होता है इसका मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना इस समय, अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही कमजोरी के दौर से गुजर रही है ना, बहुत ही मतलब एक तरीके से वीक टाइम चल रहा है अर्थव्यवस्था का, तो इस कमज़ोर वीक टाइम में है ना, इस वर्तमान बाजार में अगर आप चाहते हो कि निवेशक जो है वह बाजार में अपना इंटरेस्ट दिखाएं, अर्थव्यवस्था में सुधार हो, तो ज़रूरी है केंद्र सरकार के लिए भी और RBI के लिए भी कि हम भी कुछ ऐसे ही कदम उठाएं जैसे कि अन्य देश अपने कदम अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उठा रहे हैं। ये था हमारा आज का एडिटोरियल, बहुत ही क्विकली सारी की सारी वोकैब इसकी देख लें, पूरी की पूरी वोकैब जो है हम पढ़ चुके हैं एडिटोरियल जो है पढ़ने के दौरान। मैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, लगभग रोज ही आता है। अफरा तफरी इसका मतलब है, राउट का मतलब होता है डिफीट या फिर पराजय, है ना, बहुत ही गहरा धक्का पहुँचना। इक्विटीज़ का मतलब होता है शेयर, पोर्टेंट का मतलब होता है पूर्वाभाव देना, खासकर किसी बुरी चीज़ का संकेत देना कि भाई कुछ भविष्यवाणी है ना, कुछ बुरी चीज़ हो सकती है भविष्य में, उसके बारे में कुछ कहना। मैनिक का मतलब होता है एक तरीके से मैनिया होता है ना पागलपन, उसी से बना है मैनिक, उन्मादी। बेल वेदर यानी अगुआ, किसी चीज़ का अगर आप नेतृत्व कर रहे हो या फिर किसी ट्रेंड की आप सूचना दे रहे हो तो उसके लिए भी हम बोलते हैं बेल वेदर। प्रॉक्सीमेट इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, निकटवर्ती। हेडलॉन्ग का मतलब होता है बिना सोचे समझे। इंड्यूस मतलब कारण होना, टू कॉज समथिंग टू हैपन, भाई कोई चीज़ घटित होती है तो वह घटित हुई किसके कारण, घटित हुई किस चीज़ ने इसे इंड्यूस किया, उसके लिए हम बोलते हैं इंड्यूस। बियरिश का मतलब होता है मंदी का रुख। वर्चुअली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, वास्तव में। सेल ऑफ मतलब वही बेचना, क्विकली बेचना कि जो कुछ मिले मिले यार फटाफट बेचो इस चीज़ को। क्यूमुलेटिव मतलब बढ़ता हुआ, एक एक करके बढ़ता हुआ। ब्लीक यानी निराशाजनक। सस्टेन यानी लगातार, कोई भी चीज़ कंटिन्यूड हो ना, कंटिन्यू हो, उसको बोलेंगे ब्लीक। फर्स्ट फ्लश, इस फर्स्ट फ्लश का मतलब होता है प्रारंभिक दौर में होना। इसके बाद है कंसर्टेड, इसका मतलब होता है सम्मिलित, जैसे हम बोलें कि कंसर्टेड एफर्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि संयुक्त प्रयास, मिलजुल के जो प्रयास किया गया ना उसके लिए लगाएंगे कंसर्टेड। राफ्ट, राफ्ट का मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर ए लॉट ऑफ। पेरोल, पेरोल का मतलब कुल भुगतान, कुल वेतनमान भुगतान। लॉक स्टेप मतलब किसी का अनुकरण करते हुए कदम उठाना। बोल्स्टर यानी सहारा देना, किसी को ऊपर उठाना। और फ्रेजिलिटी का मतलब होता है भंगुरता,
नाजुकता, आसानी से कोई चीज टूट जाए।